नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका शेड्यूल डायरीज़ के इस वीडियो में। एंड बिकॉज ऑफ कोरोना बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब्ड हैं और इसी कारण रेलवे, जो कि मींस सबसे बड़ा जॉब प्रोवाइडर है इंडिया में और उसके बाद एक बहुत बड़ा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है आपके लिए, हमारे लिए, एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए। क्योंकि ट्रेन में एक साथ 1.5 से 2,000 लोग सफ़र करते हैं तो उसके थ्रू इन्फेक्शन का चांसेस बहुत ज़बरदस्त होते हैं। इसलिए जहां 13,000 ट्रेनें एक दिन में चलती थीं, वहां 1,300 ट्रेनें भी नहीं चल रही हैं। इस कारण बहुत ज़रूरी रूट्स पे, जहां पे बहुत रिक्वायरमेंट थी, बहुत भीड़ थी, या फिर रिमोट एरियाज़ हैं जहां से सच में लोगों का जाना आना बाय रोड पॉसिबल नहीं था, वहां के लिए तक ट्रेनें चलाई गईं कुछ ज़रूरी रूट्स पे। इसी तरह का एक रूट था दुर्ग अंबिकापुर, मींस छत्तीसगढ़ का दुर्ग, जो कि ऑलमोस्ट लास्ट स्टेशन ऑफ छत्तीसगढ़ कहलाता है। वहाँ से बहुत सारी ट्रेनें स्टार्ट होती हैं जो शहडोल से भी गुजरती हैं, और ये जो ट्रेन है वो अंबिकापुर जाती है। अंबिकापुर अगेन इज़ द लास्ट और समथिंग सॉर्ट ऑफ लास्ट स्टेशन ऑफ अंबिकापुर है। बहुत बड़ा शहर अंबिकापुर, दुर्ग भी, दोनों को जोड़ती हैं ट्रेनें, और दुर्ग उसके बाद MP में आती हैं, उसके बाद वापस छत्तीसगढ़ में जाती हैं वाया अनूपपुर। शहडोलों के ट्रेन नहीं जाती, वाया अनूपपुर जाती है। इसलिए शहडोल संभाग में होने के कारण ये खबर आपको देते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि दुर्ग अंबिकापुर जो पहले 26 या 27 नवंबर तक, मतलब दिवाली के 8-10 दिन बाद तक चलना था, छठ वगैरह कंप्लीट करवा के बंद करने की जो प्लानिंग थी वो 31 दिसंबर तक चलने की प्लानिंग हो गई है। सो आप लोग अकॉर्डिंगली अपनी जर्नी प्लान कर सकते हैं। 31 दिसंबर तक चलने की बात हो रही है दुर्ग अंबिकापुर की। ये मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई थी, मैंने आपको वीडियो के थ्रू दी है। आप भी अपने लेवल पे चेक करें और उस हिसाब से रिजर्वेशन कराएं, टिकट कराएं, अपनी जर्नी प्लान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।